हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीच एरो 1111। मैं हूं आप सबकी दोस्त री। कैसे हो आप सब? मैं आ गई हूं आप लोगों के लिए आपका वीकली प्रेडिक्शन लेके, जहां पे डिटेल में मैं आपका करियर, लव, हेल्थ, फैमिली और मनी इश्यूज जो होगा नेक्स्ट वीक में वो मैं समझाने वाली हूं। ओके, सो ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है, जहां पे आपको जो है इन क्रिस्टल्स में से एक क्रिस्टल को चूज करना है। फर्स्ट क्रिस्टल है ये मूनस्टोन। आई होप आप देख पा रहे हो क्लियरली दिस मून स्टोन। ओके, सेकेंड क्रिस्टल है ऑरेंज कैल्साइट। ऑल राइट, और थर्ड क्रिस्टल है द टाइगर्स आई। ओके, सो प्लीज अच्छे से ध्यान से इंट्यूटिवली अपना पाइल पिक करिए। चाहे तो यहां पे वीडियो को पॉज कीजिए, टेक डीप ब्रेथ्स एंड विच एवर पाइल इज अट्रैक्टिंग यू चूज दैट पाइल। ओके, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। हाई माई ग्रुप ग्रुप नंबर वन और पाइल नंबर वन, जिन लोगों ने ये मून स्टोन सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आगे आने वाले हफ्ता यानी कि नेक्स्ट 7 days आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये आपका एक थीम कार्ड है जो दिखाएगा कि ओवरऑल नेक्स्ट 7 days में आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगे, और उसके बाद हम लोग टैरो, ओरेकल और मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से और भी डिटेल्स में जानेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। मैं बता देना चाहूंगी ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेजेस रेजोनेट करे उसको ले लीजिए, जो ना रेजोनेट करे उसको जाने दीजिए। और ये एक आपका जेंडरलेस रीडिंग है, यानी कि लड़का लड़की सबके लिए है ये वैलिड। ओके, सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट 7 days के लिए आपका थीम कार्ड क्या होगा? वाओ, यू हैव गॉट सिंपली लव द 6 of Cups energy. So, यहाँ पे with the simply love card, मुझे दिख रहा है कि आने वाले 7 दिन में आप बहुत ही एक loving, sweet energy में रहने वाले हैं, जहाँ पे लोगों की तरफ आपको बहुत ज़्यादा empathetic feel होगा। लोग अगर आपके पास उनका problem लेके आएगा तो आप एक बहुत ही अच्छे से सोच समझ के solution देने वाले हैं। जो लोग आपके लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके लवर, या फिर कोई ऐसा चीज है जिसको आप बहुत प्यार करते हो सकता है आपका करियर या पैशन प्रोजेक्ट, उसके तरफ आपकी ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका जो हार्ट चक्रा है वो बहुत अच्छे से हील हो रहा है इन द नेक्स्ट 7 days। सो हो सकता है कि आप सेल्फ लव बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, या फिर हार्ट चक्रा मेडिटेशन, या फिर कोई ऐसा चीज है प्रैक्टिस करो जिससे ओवरऑल आपकी जो इमोशंस है वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। यू कैन यूज अ लॉट ऑफ ग्रीन कलर इन द नेक्स्ट 7 days, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा इस एनर्जी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स गो टू द टैरो, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन फॉर यू। यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करे ग्रुप वन के लिए, उनके नेक्स्ट 7 days में क्या आ रहा है उनके लिए, प्लीज गाइड करे। थैंक यू सो मच, लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे नेक्स्ट 7 days फॉर ग्रुप वन। 8 of Cups, 6 of Swords, द स्टार, 10 of Swords, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव द 3 of Cups। ओके, यहाँ पे जो एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली आए हैं वो है कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो, अक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई। अक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एंड वाटर एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आए हैं। ठीक है, वाटर एनर्जीज एंड एयर एनर्जीज आर वेरी स्ट्रांगली प्रेजेंट। हो सकता है आप किसी वाटर साइन या एयर साइन से नेक्स्ट 7 days में डील कर सकते हैं। ओके, विद द इम्पॉर्टेंट नंबर्स हियर जो कि है 3, 6, 8, 10 एंड 17, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द नेक्स्ट 7 days। आई कैन सी इस बर्थ डेट पे जो जन्मा है, चाहे वो आप हो या आप किसी के साथ डील कर रहे हो, उनके एनर्जीज इस वीक में बहुत ज्यादा हीलिंग रहने वाला है। ओके, विद इन 3 of Cups आई कैन सी दैट इन कमिंग 7 days यू कैन हैव अ पार्टी और रीयूनियन। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मिल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपका कोई गोल है जिसको शायद आप हासिल कर लेंगे नेक्स्ट 7 days में, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा सेलिब्रेटरी मूड में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप शायद कोई पार्टी थ्रो कर सकते हैं लोगों के लिए टू सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। आपके कप्स मुझे फुल लग रहे हैं, आपके लिए लॉयल फ्रेंडशिप एंड हेल्पफुल कलीग्स आ रहे हैं आपके वर्क और पर्सनल लाइफ में। इनफैक्ट विद द 3 of Cups आई कैन ऑल्सो सी दैट बहुत पुराने अगर आपके कोई फ्रेंड्स थे उनके साथ आप मिल सकते हो, लाइक अ कॉलेज रियूनियन और अ
स्कूल रियूनियन, ठीक है, जिनको आप बचपन से जानते थे उनके साथ आप मिल सकते हो। विद द एट ऑफ कप्स हियर मुझे दिख रहा है कि आप उन चीज़ों से पूरी तरीके से मुक्त होना चाहते हो जो आपके पास्ट से बिलोंग करते हैं और वो आपको सर्व नहीं कर रहा है। ओके, आप निकल पड़े हो अपने लाइफ पर्पस के खोज पे। आपको पता है रास्ता इजी नहीं है, बट आप इंट्यूशन पे भरोसा करके आगे बढ़े जा रहे हो। ओके, यू आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। एंड ऑल्सो आई कैन सी ओवर हियर दैट आप जो चैलेंजेस आएंगे उनको एकदम हेड स्ट्रॉन्ग तरीके से फेस करने वाले हो। ओके, यू विल रियली रियली थिंक वेरी वेरी इंट्यूटिवली इन द कमिंग 7 days। आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर एंड टू द पॉइंट रहने वाला है, बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सम एम्पथी। मुझे यहाँ पे बहुत रूट कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है। 6 of Swords के साथ हो सकता है कि आप कहीं पे ट्रैवल करें। ओके, आइदर मेंटली यू आर मूविंग इन टू कामर वाटर्स और फिजिकली यू आर मूविंग समवेयर जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा शांति महसूस हो। हो सकता है कि आप कोई रिलीजियस प्लेस पे विजिट करें अपने फैमिली के साथ इन द नेक्स्ट 7 days। इनफैक्ट हो सकता है कि अगर आपने कोई गलती की है पास्ट में या फिर आपके साथ किसी ने गलत किया है, विद द 10 of Swords कार्ड आप फाइनली उनको फॉरगिव करके जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आपको पता है कि ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन, ये ऑफिस सिचुएशन आपको हेल्प नहीं कर रहा है। सो डेफिनेटली आई कैन सी कि कोई एक चीज़ है जो रिसेंट पास्ट में आपके लाइफ में ख़त्म हुआ है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर जॉब और इट कैन बी अ पर्सन जिन्होंने आपको शायद धोखा दिया, आपको बिट्रे किया। यू आर फाइनली मूविंग ऑन फ्रॉम दैट पर्सन एंड दैट सिचुएशन। ओके, सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी ओवर हियर। आपके कोई भी पेनफुल साइकिल अगर चल रही थी रिगार्डिंग टू बैक पेन या फिर आपके हेल्थ में, स्पेशली योर बैक पेन, लेग्स और लोअर बैक में या वेस्ट में अगर बहुत ज़्यादा आपके पेन रहते थे फॉर व्हाटएवर रीज़न, दैट पेन इज कमिंग टू एन एंड। यू आर गेटिंग अ गुड सोल्यूशन, गुड मेडिसिन और रेफरिंग टू अ गुड डॉक्टर। ओवरऑल विद द हेल्थ, विद द स्टार कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे इन द नेक्स्ट 7 days। ओके, आप बहुत अच्छे से सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपके थीम कार्ड में भी आया था। सी, वाटर प्लेसमेंट्स या वाटर साइंस की जो एनर्जीज होते हैं वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग रहेंगे इन द नेक्स्ट 7 days। ठीक है, हो सकता है कि आपका, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर है तो आपको सडनली कोई पोस्ट जो है वायरल जा सकता है एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स। पीपल विल बी फॉलोइंग यू, पीपल विल बी लाइकिंग यू एंड ऑल्सो आपका नेम फेम बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है काम की जगह पे या ओवरऑल इन योर लाइफ। यू माइट रिसीव सम रिकग्निशन फॉर योर गुड वर्क। ठीक है, आपके चक्रास भी मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे बैलेंस में आ रहे हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल कार्ड्स व्हाट्स कमिंग अप। गाइस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल रीड टैरो 1111 फॉर मोर गाइडेंस एंड रीडिंग्स। एंड यस, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज वहां पे जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल रीडिंग्स। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बोलूँगी, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे भी मैं डेली रीडिंग्स पोस्ट करती रहती हूँ। सो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए फॉर शॉर्ट रीडिंग्स एंड प्रेडिक्शंस। एंड अगर आपको एक्सक्लूसिव कुछ चाहिए तो फिर आप मेरे कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी तक फ्री है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, सो लेट्स सी मोर। हाउस नंबर 20, गिफ्ट नंबर 17, सी दो दो 17 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। मेन मेल नंबर 1, ओके। सो यहाँ पे इन 3 कार्ड्स के साथ ये दिख रहा है कि आपके लिए घर रिलेटेड कोई चीज बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है इन द नेक्स्ट 7 days। यू माइट परचेज अ होम और चेंज योर लोकेशन एंड स्टे इन अ न्यू होम, या फिर आप घर जा सकते हो अपने फैमिली से मिलने के लिए लाइक द 3 of Cups, या फिर आपके घर में कोई उत्सव का माहौल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। अगर आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे एंड विश यू अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बर्थडे अहेड। या फिर हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअली भी कोई ऐसा गिफ्ट आपको मिल रहा है जो बहुत टाइम से आप मांग रहे थे एंड इट केम आउट ऑफ द ब्लू। ओके, विद द मेन मेल आई कैन सी दैट अ सिग्निफिकेंट मेल मेंबर माइट बी ऑफ importance to you in the next 7 days। ये आपके partner भी हो सकता है, ये आपके work situation में भी हो सकता है, या फिर overall हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए एक gift दे रहा है जो कि एक घर हो, या फिर इस इंसान के साथ mutually आपके कोई घर का agreement sign कर रहे हो। Okay? Let's see from the other oracle।
व्हाट एल्स इज कमिंग, एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ सेल्फ केयर कार्ड जो आपको करना चाहिए इन द नेक्स्ट 7 days. Yang, wow. So you are in the role of creativity. आपकी creativity बहुत high रहेगी, okay? Yang is a masculine energy, so मुझे लग रहा है you will be an action taker, go getter, and of course you are creating something beautiful and massive, okay? So let's see your self care card. What's coming in? मेक अ विजन बोर्ड. आपको बोला जा रहा है कि आपको एक विजन बोर्ड बनाने की जरूरत है जहां पे आप ऐसे पिक्चर्स लगा सकते हैं जो भी चीजें आप अचीव करना चाहते हैं आपके लाइफ में. ओके, सो वंस यू मेक दैट आपके मैनिफेस्टेशंस करना इजी हो जाएगा. ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम माई हैंड रिटन मैसेजेस व्हाट्स कमिंग इन फॉर यू. प्लीज यूनिवर्स गाइड मी. लेट्स सी For my beautiful group number one, what's coming in their life in the next 7 days? Text. तो आप अगर कोई text या message expect कर रहे थे, that is coming in for you, whether personal or professional. Manifestation. See, आपके लिए vision board का card भी आया है और आपके लिए manifestation भी आया है. So definitely आपका कोई बहुत बड़ा manifestation पूरा हो रहा है. And before the last message of the day, जल्दी से like, share, subscribe, perfect body. So definitely you are receiving your perfect body in the next 7 days, or at least you are taking a step towards your personal perfect body. Okay? So that was your reading. I hope you enjoyed the reading. अगर आपको ऐसे readings और देखना पसंद है तो जरूर से मेरे को comment में लिख के बताना. Until next time, मैं हूँ री saying bye-bye. हेलो माई ब्यूटिफुल ग्रुप नंबर टू, जिन लोगों ने ये ब्यूटिफुल से ऑरेंज क्रिस्टल को चूज किया है, लेट्स सी आपके नेक्स्ट 7 days कैसे रहने वाले हैं. ओके, ये आपका एक थीम कार्ड है जो दिखाएगा ओवरऑल मेनली आपके एनर्जीज कहाँ पे डोमिनेंट रहेंगे, कौन से एनर्जी में आप रहेंगे इन द नेक्स्ट 7 days. ऑल्सो मैं डिटेल में आपके लिए हेल्थ, करियर, फाइनेंसिस, फैमिली, लव, इन सब के लिए कार्ड्स निकालूंगी फ्रॉम द टैरो, ऑरेकल और मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से हम इंपॉर्टेंट चीजें भी देखेंगे. ठीक है, सो मेक श्योर आप पूरा रीडिंग देखें, कुछ भी स्किप ना करें. और ये एक जनरल रीडिंग है, जो मैसेजेस रेजोनेट करे ले लीजिए, जो ना रेजोनेट करे प्लीज जाने दीजिए. एंड येस, इट्स अ जेंडरलेस रीडिंग, सो लड़का लड़की सबके लिए है ये वैलिड. ओके, सो लेट्स सी योर थीम कार्ड, हेल्पलेस एंड होपलेस. ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नेक्स्ट 7 days में आप थोड़े से विक्टिम मेंटालिटी में रह सकते हैं, जहां पे आपको लगेगा कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रहे हैं. आप थोड़े से हेल्पलेस महसूस कर सकते हैं, होपलेस महसूस कर सकते हैं. मे बी आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स दे रहे थे और आपको लग रहा था फाइनली दैट थिंग विल कम इन फॉर यू विद दिस सन इन द बैकग्राउंड, बट वो नहीं आ रहे हैं, उल्टा उनके सामने और ज्यादा चुनौती आ गए हैं. आपके लिए ऑप्शंस तो आ रहे हैं बट वो इतना कंफ्यूजिंग है कि आपको पता नहीं कि कौन सा पाथ आप चूज करें, कौन सा ऑप्शन आप चूज करें. सो आई कैन सी यू माइट बी इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. ओके, इन द नेक्स्ट 7 days हम लोग और डिटेल में देखेंगे वॉट इज दिस ऑल अबाउट. सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो ग्रुप नंबर टू के लिए क्या आ रहे हैं. प्लीज यूनिवर्स गाइड मी. ग्रुप नंबर टू, नेक्स्ट 7 days फॉर ग्रुप नंबर टू. प्लीज यूनिवर्स गाइड मी. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट 7 days फॉर ग्रुप टू. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. ओके, लेट्स बिगिन. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ रॉड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस. ओके, नाउ आई गेट इट. मैं कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ सो दैट आप देख पाओ इनको. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एनर्जीज आए हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. नंबर्स इम्पोर्टेंट आए हैं, नंबर 6, 8, 5, 2. ओके, ये आपका बर्थ डेट हो सकता है या आप किसी के साथ डील कर रहे हैं उनका बर्थ डेट हो सकता है. यहाँ पे मुझे एक स्टोरी दिख रही है कि रीसेंट पास्ट में आपने कुछ चीज अचीव किया है. ओके, यू हैव गॉट समथिंग विच हैज मेड यू फील वेरी वेरी विक्टोरियस. आइदर आपकी शादी तय हो गई है या फिर आपका पर्सन ने आपको कांटेक्ट किया या जॉब में आपको कोई प्रमोशन मिली है या आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे या बिजनेस स्टार्ट किए थे उसमें आपको बहुत अच्छे से ग्रोथ दिख रही थी, पैसे दिख रहे थे, लोग आपको सराह रहे थे एंड यू आर फीलिंग लाइक You are on the top of your world, okay? You're on top of your game with the Queen of Rods. आप बहुत ज़्यादा attractive, passionate feel कर रहे थे. You were feeling that you are looking amazing. लोग आपके तरफ बहुत ज़्यादा attract हो रहे थे and you were started
and you started to work harder on this project or on this connection, ठीक है? But sadly आपको जब लगा कि सब ठीक हो गया है, suddenly out of the blue कुछ यहाँ पे fights आ गए and then things came to a stop, जिसके वजह से आपका ये कार्ड आया है helpless and hopeless. आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या हो गया मेरे जिंदगी में, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, suddenly क्या हो गया. ओके, आपको बोला जा रहा है कि next 7 days में you are putting in a lot of effort, बट शायद आपको वो चीजें देखने को ना मिले जिसके लिए आप इतना एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो. हो सकता है इसके लिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए, मे बी इन योर वर्क प्लेस और इन योर कनेक्शन, कि मेरे एफर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है, आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर रिवॉर्ड्स फॉर माई एफर्ट्स. ईगो इश्यूज भी हो सकता है किसी के साथ. आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू स्टे पेशेंट एंड कनेक्ट विथ योर इंट्यूशन. अगर कोई चीज वर्कआउट नहीं हो रही है, देर इज अ रीजन बिहाइंड इट. यू नीड टू टैप इन टू योर इंट्यूशन टू गेट दैट नॉलेज. ओके, हो सकता है आप कोई एजुकेशन फील्ड में है जहां पे आपने बहुत मेहनत किया, आपको लगा कि फाइनली यू विल गेट 90+ मार्क्स, बट उतना नहीं आया. ओके, एंड यू डोंट नो व्हाट्स द रीजन, जिसके वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हो, बहुत ज्यादा आप कोस सकते हो यूनिवर्स को कि वाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सब कुछ अच्छा होते होते क्यों चीजें बिगड़ जाती है. सो फॉर दैट रीजन इट्स पॉसिबल कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने का चांसेस हो, बट यू कैन स्टिल हैव अ होल्ड ऑन दिस सिचुएशन. कैसे? आपको यहाँ पे अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है ग्रुप नंबर टू, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू आर प्रैक्टिसिंग अफर्मेशंस एंड यू आर ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव, चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं होगी. ओके, आपके यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ कार्मिक डेट्स है जिसके वजह से ब्लॉकेजेस सडनली आए हैं आपके प्रोग्रेस के पाथ में. ठीक है, सो यू नीड टू प्रैक्टिस affirmations, all right? Next 7 days में कोई लेडी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रह सकती है, जो एज में शायद आपसे बड़ी हो, बट दैट पर्सन इज वेरी वेरी पावरफुल और उनके जो भी नॉलेज है वो बहुत ही अच्छा है. सम नॉलेज आर फ्रॉम बुक्स, सम नॉलेज इज फ्रॉम द लाइफ एक्सपीरियंसेस. ओके, सो ये लेडी आपको हेल्प कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 7 days. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल व्हाट्स कमिंग अप. गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या आपके साथ रेजोनेट कर रही है, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल रीड टैरो 1111, एंड ऑफकोर्स ये जनरल रीडिंग है. पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, वहां जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल कंसल्टेशन. ओके, इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम पे भी डेली रीडिंग्स डालती रहती हूँ, सो अगर आप वहां पे मिनी रीडिंग्स देखना चाहते हैं और भी ज्यादा गाइडेंस लेना चाहते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है. और मेरा जो कम्युनिटी है उसमें जो लोग हैं, सो जो लोग मेरे कम्युनिटी में हैं उनको एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस मिलते हैं, अभी तक फ्री है, तो आप जाके उधर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. उसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया था, ठीक है, उसका लिंक. ऑल राइट, सो लेट्स सी व्हाट मोर इज कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 7 days. ऑक्यूपेशन, सी 8 of Pentacles एंड ऑक्यूपेशन, दीज टू कार्ड्स रिजेंबल अ लॉट, जो दिखाता है दैट यू आर बर्निंग दैट मिडनाइट ऑयल, यू आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड ऑन योर ऑक्यूपेशन. ओके, ऑल राइट, वॉट एल्स, मैच्योर मैन, यस, मच्योर कोई पर्सन तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहे हैं टू गिव यू मोर एडवाइस लाइफ के बारे में. वॉट एल्स, हाई ऑनर. ओके, आपको बोला जा रहा है जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स दे रहे थे उनके लिए हो सकता है ऐसा कोई सिचुएशन हो जो यहाँ पे चैनल हो रहा है, दैट आपने कोई एग्जाम दिया बट उसका रिजल्ट आपके मन मुताबिक ना हो. ठीक है, आपने जितना मार्क्स एक्सपेक्ट किया था उतना ना आए, बट द गुड पार्ट इज कुछ टाइम में, लाइक यू नो इन द नियर फ्यूचर, लाइक 2 to 3 weeks, आई एम सीइंग कि सडनली आपको पता चलेगा दैट लाइक द क्वेश्चन पेपर वॉज टफ एंड जो कट ऑफ था वो नॉर्मल से कम हो गया है, सो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी. ऐसा एक स्टोरी लाइन यहाँ पे मुझे मिल रहा है. ऑफकोर्स आई नो कि ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, बट दिस इज कमिंग फॉर श्योर. एक चीज मुझे दिख रहा है, ये जो आपका ब्लॉकेज है वो आपको एक्चुअली और ज्यादा पुश करेगा टूवर्ड्स मोर फ्यूचर सक्सेस. ओके, डेफिनेटली यू आर बींग मोर मच्योर, मोर एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज्यादा मच्योरिटी से आप चीजों को हैंडल कर रहे हैं. आपके हार्डवर्क्स का जो लेबर का जो फ्रूट्स है
वो सूनर और लेटर आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, हो सकता है अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में, आपको कोई रिकग्निशन मिल सकता है विद द हाई ऑनर। मे बी आपने कोई प्रोजेक्ट किया है जिसके लिए आपको सराहा जा सकता है एंड यू माइट रिसीव सम मेडल या ट्रॉफी फ्रॉम अ सुपीरियर और अ बॉस। ओके, ये मैसेजेस भी यहाँ पे आ रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स सी फ्रॉम अदर ऑरेकल कार्ड्स व्हाट एल्स इज कमिंग इन नेक्स्ट 7 डेज। मैं आपके सेल्फ केयर कार्ड भी दूंगी। फॉक इन द रोड, सी हेल्पलेस एंड होपलेस एंड यू हैव गॉट फॉक इन द रोड। कन्फ्यूशन तो है नेक्स्ट वीक डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। ऑफकोर्स जनरल रीडिंग है, सबके लिए सेम तो नहीं होगा, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई कैन सी यू पीपल कन्फ्यूज। आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा रास्ता आपको लेना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे आइडियाज दे रहे हैं, बट एक्चुअल में वो आइडियाज आपके काम नहीं आ रहे हैं बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी वेरी विक्टिमाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, आपको क्लैरिटी लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अपने लाइफ में टू मेक एनी क्लियर डिसीजन। आपके डिसीजन अगर हो सके तो इस वीक से टाल के बाद में आप लेना कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर है आपके लाइफ का, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर जजमेंट इज क्लाउडेड एंड हो सकता है कि अभी आप कोई गलत डिसीजन ले एंड बाद में उसके लिए आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। ओके, सो प्लीज उसको थोड़ा डिले कीजिए, स्पेशली अगर आपका कोई वर्क मनी रिलेटेड सिचुएशन है। ओके, उसको अभी इस वीक में ना करें। All right, let's see what is the self-care card for you, what you need to do in the next 7 days. Please universe guide kare. Thank you so much. Energy work. See, you need to balance your chakras and do meditation. Agar aap meditation nahi karte, it's a clear sign that you need to do meditation. 1 minute ka ho, 2 minute ka ho, but definitely meditate because isse aapka jo hai, aapka crown chakra and third eye chakra activate hoga, which will help you in getting clarity. Theek hai? So please do the meditation. Now let's see from my handwritten messages what's coming in for you in the next 7 days. Let's check that. All right. Okay. First message humare paas hai. टेक्स्ट, सो डेफिनेटली यू आर रिसीविंग सम इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट और मैसेज और नोटिफिकेशन। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये कोई टेक्स्ट आपके मनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो सकता है। जैसे हम लोग कभी कभार ऑटो पे करते हैं राइट, किसी चीज़ों में, ये आपका कोई ऑटो पे का मैसेज आ सकता है फॉर रिन्यूइंग ऑफ एनी सब्सक्रिप्शन और रिन्यूअल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा देख के फिर क्लिक करना। ओके, आई एम गेटिंग अ चैनल मैसेज, बी वेयर। ओके, बिकॉज आजकल साइबर क्राइम्स भी बहुत बढ़ गए हैं, सो यू नीड टू स्टे अ बिट अलर्ट। ग्रुप टू कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट मिल सकता है किसी इंसान से अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। इट कैन बी द कमिटमेंट दैट यू डू फॉर योर सेल्फ और यू शो टूवर्ड्स योर सेल्फ। आप शायद हो सकते हैं कि इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए कोई एक ऐसी एनर्जी वर्क करे, या जैसे कि मेडिटेशन हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, एंड यू आर कमिटेड टू योर सेल्फ कि मैं ये डेली करूंगी ही करूंगी। ओके, सो दैट कमिटमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड बिफोर द लास्ट मैसेज ऑफ द डे, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑफकोर्स मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए फॉर पर्सनल रीडिंग। मनी, सो हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कोई पैसे आपके पास आ जाए इन द नेक्स्ट 7 डेज, विच माइट हेल्प यू, बट मेक श्योर यू सेव इट और एल्स वो चला जाएगा। जितना जल्दी आया उतना जल्दी चला भी जाएगा, सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट। ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग, विश यू अ ग्रेट नेक्स्ट 7 डेज, ऑल द बेस्ट अंटिल नेक्स्ट टाइम। मेहूरी सेइंग बाय। हाय माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा टाइगर्स आई को चूज किया था, लेट्स सी आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओके, ये आपका एक थीम कार्ड है जो दिखाएगा कि नेक्स्ट 7 डेज में आप कौन से एनर्जी में ज्यादातर रहेंगे। साथ ही साथ मैं टैरो से आपके लिए हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, मनी, फैमिली, लव, जो भी मैसेजेस आएगा मैं आपको बताऊंगी। इनफैक्ट ओरेकल से भी देखेंगे और आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे, सो मेक श्योर आप पूरा रीडिंग देखें, कुछ भी मिस आउट ना करें। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताऊंगी ये एक जनरल रीडिंग है, जो मैसेजेस रेजोनेट करे ले लीजिए, जो ना रेजोनेट करे जाने दीजिए। ओके, और ये एक जेंडरलेस रीडिंग भी है, सो लड़का लड़की कोई भी इसको देख सकता है। लेट्स बिगिन। चेंज योर फोकस। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज इज ऑल अबाउट चेंजेस। आप शायद किसी ऐसे चीज पे फोकस कर रहे हैं जिसपे आपको अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए। आपको आपकी फोकस
चेंज करने की जरूरत है. ओके, मे बी आप एक चीज हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, बट आपका तरीका बदलने की जरूरत है कुछ लोगों के लिए. इनफैक्ट आई कैन सी दैट हो सकता है कि आपको कोई इंट्यूटिव मैसेजेस मिले या ड्रीम में डाउनलोड्स मिले रिगार्डिंग चेंजिंग योर फोकस और सम चेंजेस दैट्स कमिंग इन योर लाइफ. ओके, नंबर 5 कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू. All right, now let's see from the tarot what's coming in for our group number 3. Please universe guide me for group number 3 what's coming in the next 7 days. Thank you so much. Okay, group number 3 what's coming in for you, let's see. Okay, wow, the Wheel of Fortune, Four of Swords, Page of Rods, Two of Cups, Bottom of the deck है High Priestess. हो सकता है आप ग्रुप 2 के तरफ भी आकर्षित हुए थे, अगर है तो प्लीज आप ग्रुप 2 को भी चेक कीजिए बिकॉज देयर माइट बी मैसेजेस फॉर यू इन ग्रुप 2 एज वेल. ऑल राइट, सो यहाँ पे जो नंबर्स इंपॉर्टेंट आए हैं वो है नंबर 10, 4, 1, 2. टू नंबर इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मुझे एक और चीज भी यहां पे दिख रही है, वो ये कि ऑल राइट एनर्जीज जो यहां पे इंपॉर्टेंट आए हैं वो है एरीज, अक्वेरियस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लीब्रा. ओके, ये एनर्जीज इंपॉर्टेंट है आपके, हो सकता है या हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं. ओके, एक चीज जो मुझे यहां पे बहुत अच्छी लग रही है कि आपको दो दो मेजर अरकानास मिले हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विद द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हाई प्रीस्टेस. देखिए चेंज ऑफ फोकस के साथ भी मैंने बोला था इंट्यूटिवली हो सकता है आपको कोई मैसेजेस मिले या डाउनलोड्स मिले इस हफ्ते. इनफैक्ट व्हाट आई कैन सी विद द हाई प्रीस्टेस, आप स्पिरिचुअल चीजों के लर्निंग में बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे और इंटरेस्टेड होंगे इन द नेक्स्ट 7 डेज. हो सकता है कि आप कोई स्पिरिचुअल कोर्स भी ज्वाइन करें. ओके, जो लोग हीलर्स हैं और मेरे चैनल देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम फेलो हीलर्स. एंड आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है लाइफ में एक बहुत ही अच्छा अपग्रेड आ रहा है रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, आप लोग हो सकता है कि अगर अभी तक स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते थे इन जनरल, आप लोग स्पेसिफिकली स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने लगेंगे इन द नेक्स्ट 7 डेज बिकॉज आई कैन सी अ वेरी वेरी लकी इवेंट हैपनिंग फॉर यू विद द व्हील ऑफ फॉर्चून. अगर अभी चीजें आपके लिए ठीक नहीं जा रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट थिंग्स विल सडनली टर्न आउट टू बी बेटर. आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेडी और ये मैन कितना इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्योंकि भाग्य का ये जो पहिया है, ठीक है, ये जो व्हील है दैट्स कमिंग इन टू देयर फेवर. जो चीज सर्व नहीं कर रही है दोज थिंग्स आर गोइंग अवे. सो डेफिनेटली आई कैन सी दैट यू माइट गेन सम नॉलेज रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी एंड डू समथिंग जो आपके लिए एक लकी इंस्टेंस साबित हो. या फिर जनरल लोगों के लिए मैं बता रही हूं, आपके साथ लकी कोई चीज या मिरेकल कोई हो सकता है जिसके वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने लगो. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आई एम सीइंग. वन मोर थिंग, अगर आपके लाइफ में चीजें स्टैग्नेंट थी, फाइनली दोज थिंग्स आर गेटिंग सम मूवमेंट. ओके, ये चीज यहां पे दिख रहा है. विद द फोर ऑफ सोर्ड्स आई कैन सी यू आर टेकिंग सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ. आप रेस्ट ले रहे हो, आप रिजुविनेट कर रहे हो. अगर कोई आपके साथ फाइट करना आ रहा है, आप पहले शायद उनको रिप्लाई करते थे, नाउ यू आर जस्ट अवॉइडिंग देम एंड चूजिंग योर मेंटल पीस. ओके, आपके लिए आपके पीस ऑफ माइंड ज्यादा सिग्निफिकेंट होंगे रादर देन प्रूविंग योर सेल्फ टू बी करेक्ट. ओके, ऐसे एक एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली आए हैं आपके लिए. आपके सिबलिंग या चाइल्ड के तरफ से कोई हैप्पी मैसेज आपके लिए आ सकता है. ऑफर ऑफ अ न्यू जॉब एज वेल और न्यू बिजनेस, जहां पे आपको बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखेगा आगे जाके अच्छा कुछ होने के लिए. ओके, इनफैक्ट हो सकता है कि आप कोई छोटा सा अचीवमेंट भी करो विच विल बी लाइक अ फेदर ऑन योर कैप. विद द टू ऑफ कप्स आई कैन सी, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो वहां पे बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए इंडिकेटेड है. यू गाइज विल हैव अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. यू गाइज माइट गो आउट फॉर अ डेट और अ शॉर्ट ट्रिप एज वेल. जो लोग सिंगल्स हो उनके लिए हो सकता है कोई अच्छा ऑप्शन आए इन लव. मे बी यू कैन गो आउट फॉर डेटिंग और अरेंज मैरिज के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा. ऑनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंटली यहाँ पे होगा एंड देयर विल बी अ वेरी वेरी क्लियर एंड इक्वल गिव एंड टेक एज वेल. ओके,
नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल गाइस. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके साथ रेजोनेट करी है, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल रीच आरो 1111. ऑल्सो मैं जो है, ये तो जनरल रीडिंग है, सो पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके कॉन्टैक्ट करें. इंस्टाग्राम पे भी मैं वीडियोज डालती रहती हूँ, सो वहां पे भी जाके मेरे को फॉलो कीजिए फॉर डेली डोज ऑफ स्पिरिचुअल कंटेंट. एंड मेरा जो कम्युनिटी है फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगी, तो अभी तक फ्री है, तो जाके आप उसमें भी ज्वाइन कर लीजिए. उन लोगों को कुछ एक्सक्लूसिव चीजें मिलता है फॉर बीइंग माय लॉयल कम्युनिटी मेंबर्स. ओके, लेट्स सी ऑफिशियल पर्सन नंबर 22, मैसेज ऑफ कंसर्न. ओके, सो हो सकता है कि आपको कोई ऐसे मैसेज मिले, जैसे पेज ऑफ रॉड्स का भी मैंने यहाँ पे कार्ड है, जो शायद आपको थोड़ा कंसर्न दे दे. ठीक है, इट माइट बी रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ अ पर्सन इन योर फैमिली, स्पेसिफिकली एक बुजुर्ग के हेल्थ को लेके हो सकता है कि आपको थोड़ा स्ट्रेस हो, टेंशन हो. इनफैक्ट अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब दिया था, फाइनली यू आर गेटिंग द पोस्टिंग ऑफ दैट, या फिर आपको कोई नोटिफिकेशन मिल सकती है कि यहाँ पे वैकेंसी है. अगर कोई इंसान आपके लाइफ में है जो आर्मी, नेवी या फिर ऐसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट जॉब्स में है, दैट पर्सन माइट सेंड यू अ मैसेज एज वेल. बट ओवरऑल आपका वीक अच्छा लग रहा है. एक चीज जो मुझे दिख रहा है, दैट इज यू नीड टू चेंज योर फोकस ओवर हियर. अगर कोई ऐसे कंसर्निंग मैसेज आपके पास आए भी, यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस. ठीक है, द सिचुएशन इज नॉट एज बैड एज इट सीम्स. ओके, ऑल राइट. Now let's see from the other oracle what else is coming in for you. Unfinished symphony. Okay, यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप किसी ex का wait कर रहे थे या फिर past के person का wait कर रहे थे, you might receive a text from that person जो initially हो सकता है कि आपको trigger करे, but you might feel happy as well because you were waiting for this. यहाँ पे भी 10 number आए हैं, so definitely 10 is a significant number for you. Music related कुछ काम आप कर सकते हैं next 7 days में, जो आपके mental health के लिए अच्छा रहेगा. अगर आप already एक musician हो, it is possible कि आप अपने past के कुछ creativity को एक न्यू लुक दो, दैट इज अ पॉसिबल. आई एम गेटिंग अ मैसेज वेरी वेरी स्ट्रांगली. इनफैक्ट हो सकता है कि आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदो या म्यूजिक सीखने के बारे में इन जनरल इंटरेस्टेड हो इन द नेक्स्ट 7 डेज. म्यूजिक इज गोना मेक यू हैप्पी. ओके, ऑल राइट. नाउ आई विल गिव यू योर सेल्फ केयर कार्ड और उसके बाद मेरे जो हैंड रिटन मैसेजेस है उससे हम देखेंगे कि आपके लिए और सिग्निफिकेंटली क्या आ रहे हैं. प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, थैंक यू सो मच. आई विल टेक दिस कार्ड. बिल्ड स्ट्रेंथ. तो आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज विच विल हेल्प यू इन बिल्डिंग स्ट्रेंथ. सो आपके लिए जो भी सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं. सम पीपल माइट जॉइन जिम. कुछ लोग अपने मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. कुछ लोग यहाँ पे मुझे रिचुअल करते हुए भी दिख रहे हैं, दैट इज गोना हेल्प देम इन बिल्डिंग देयर स्ट्रेंथ. थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन इज कमिंग इन फॉर यू, सो आप थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए कुछ ऐसे रिचुअल कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम माई हैंड रिटन मैसेजेस व्हाट्स कमिंग इन फॉर यू ग्रुप 3. लेट्स चेक आउट what is coming in for my beautiful group 3 over here. Significant any events or any message that you need to hear. All right, first message that we have is न्यू हाउस और फ्लैट. तो आप कोई नया घर या फ्लैट खरीद सकते हो या फिर आप कोई नए घर में या फ्लैट में शिफ्ट कर सकते हो. ओके, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी पॉसिबल कि आपकी शादी हो रही है और आप एक नए घर में जा रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ था पहले ही प्रॉपर्टी, आप लोगों का गृह प्रवेश होके आप फाइनली वहां पे रहना शुरू करेंगे. ठीक है, देन वी हैव ट्रांसफर. फॉर सम पीपल आप बहुत टाइम से ट्रांसफर मांग रहे थे अपने जॉब में बट आपको नहीं मिल रहा था, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में थे. विद दिस मैसेज ऑफ कंसर्न या कंसर्न हो सकता है आपके लिए कोई ऐसा मैसेज सडनली आए जो ट्रांसफर रिलेटेड हो. ठीक है, एंड बिफोर द लास्ट मैसेज ऑफ द डे, जल्दी से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. एंड यस, पर्सनल रीडिंग के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें. सी रिकंसिलिएशन विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी. डेफिनेटली आई कैन सी अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक इन टू योर लाइफ. अगर आप ऑलरेडी उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे,
इट्स अ कन्फर्मेशन दैट यू विल रिसीव अ टेक्स्ट और मैसेज और यू विल मीट द पर्सन इन द नेक्स्ट 7 डेज. ओके, एंड मुझे लग रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट भी हो जाएगी बिकॉज द एनर्जी ओवर हियर इज मोर ऑफ हीलिंग, ना कि और ज्यादा फाइट्स के लिए. ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको ऐसी रीडिंग्स और देखना है जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आपकी रिक्वेस्टेड रीडिंग. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट 7 डेज. अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय.